ये 7 गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आर्ट की फील्ड में ग्रो करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये ऐसी कॉमन, मोस्ट कॉमन 7 ऐसी गलतियां हैं जो ऑलमोस्ट हर एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो सीरियस लेवल पे आर्ट की फील्ड में जाना चाहता है वो कर रहा है। तो मेक श्योर इन सारे 7 पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इनमें से 7 गलतियां, कोई भी एक गलती अगर आप नहीं करते हैं तो फिर दावे के साथ मैं बोल सकता हूं कि या तो आपको क्लियर नहीं है कि आर्ट की फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ सीखनी है, क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे आपको काम करना है, आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिगनर है। एक्सट्रीम बिगनर इन द सेंस कि आपको भी नॉलेज ही नहीं है कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें करनी है, तो आपने प्रॉपर लेवल पर भी प्रैक्टिस करी ही नहीं है, या फिर आपको अभी तक अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। आप प्रैक्टिस करते हो, आपको पता है कि ये मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन अगर ये 7 मिस्टेक्स जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद फील होता है कि ये 7 की 7 गलतियां मैं नहीं करता हूँ या मैं नहीं करती हूँ, तो आप ये वीडियो को देखते ही नहीं, क्योंकि जिनकी ये 7 गलतियां नहीं होती है ना, उनको क्लियर रहता है कि उनको क्या करना है इस फील्ड में, आगे चल के क्या काम करना है, उनको किन चीज़ों पे फोकस करना है, उनको यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखने की और हमेशा कन्फ्यूज रहने की किसी भी तरीके से कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि इसमें से 7 गलतियां आप नहीं कर रहे हैं, तो ये समझिएगा कि अभी आपको क्लियर नहीं है या आपको पता नहीं है कि आप ये गलती कर रहे हो, आप अनजाने में ये गलती कर रहे हो। तो इसीलिए एक बार सुनिएगा इन 7 गलतियों को, शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन 7 मिस्टेक दैट एन एस्पायरिंग आर्टिस्ट डू। स्पेशली ये वीडियो मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ जो आर्ट की फील्ड में बहुत सीरियस है, बहुत पैशनेट है, जो प्रोफेशनल बनने के लिए आर्ट की फील्ड में जा रहे हैं, जिनका गोल है आर्ट की फील्ड में कुछ बड़ा करना है, बहुत सीरियस पैशन है इस फील्ड में ग्रो करने का, तो ये 7 मिस्टेक आपको नहीं करनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, फोकसिंग ऑन डिटेल्स। जितने भी बिगनर्स हैं, जब कोई आर्ट के फील्ड में शुरू करता है तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस जाता है वो डिटेल्स की तरफ जाता है कि ये पेंटिंग दिख रही है, इसमें ना पेड़ है, इसमें पत्तियों को मैं कितना सुंदर बना दूँ, इसमें ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ उसको पूरा स्किन का कलर, स्किन का टेक्स्चर आना चाहिए, उस लेवल की डिटेलिंग्स मुझे चाहिए। हाइपर रियलिज्म, फोटो रियलिज्म, ये जो वर्ड्स हम सुनते हैं कि पूरे कंप्लीट डिटेल्स के अंदर हमें जाना है, बहुत डिटेल्ड वर्क यानी कि लोगों का अप्रिशिएशन, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि कोई बहुत डिटेल्ड वर्क अगर सोशल मीडिया वगैरह पे दिखता है तो काफ़ी उसमें लाइक्स आते हैं, काफ़ी लोग उसमें अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर एज एन आर्टिस्ट आप जा रहे हो इस फील्ड में, आप सीरियस लेवल पे काम करना चाहते हैं और आपका शुरुआत से फोकस डिटेल्स की तरफ है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो, क्योंकि डिटेल्स हर कोई देख सकता है। एक आर्टिस्ट का काम होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। अब इस गलती को सुधारने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, उस लाइन को कहते हैं स्टार्ट ओवर फिनिश रूल। ये रूल, इसको लिख लीजिए, इसको कमेंट सेक्शन में फटाफट से टाइप करिए। इस रूल को आपको याद रखना है इस गलती से बचने के लिए और स्पीड लेवल में ग्रो करने के लिए। स्टार्ट ओवर फिनिश रूल, इस रूल का मतलब ये है कि अगर आपको स्पीड में इंप्रूव करना है, आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है एज एन आर्टिस्ट, तो फिनिशिंग से पहले, डिटेलिंग से पहले, जो स्टार्टिंग का पार्ट है जहाँ पे मेनली लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन, ये सब जजमेंट किया जा रहा होता है, पहले के जो लाइंस होते हैं, पहले के जो चीज़ों को हमें प्लेसमेंट करना है, तो इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं जिसको स्टार्ट बोला गया है इस लाइन में, स्टार्ट वाले स्टेज को आप बार बार करिए इससे पहले कि आप फिनिशिंग तक हर पेंटिंग को ले जाना चाहें। तो जितना आप स्टार्टिंग वाले स्टेज के ऊपर फोकस करेंगे उतना आपका बेस स्ट्रांग होगा और उतना जल्दी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। इंप्रूवमेंट लाते लाते आप जितना फिनिशिंग करना चाहें आप किसी भी आर्टवर्क को कर पाएंगे, बट अगर फिनिशिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए आप और स्टार्टिंग का स्टेज वीक रह जाता है, तो ये आपका सबसे बड़ा मिस्टेक होगा और ये आपकी ग्रोथ को खत्म कर देगा। स्टार्ट ओवर फिनिश रूल को याद रखिए, डिटेल्स पे जाने से पहले इनिशियल स्टेज को स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर फोकस करिए। मिस्टेक नंबर 2 और मिस्टेक नंबर 3 में एक बहुत ही कमाल का तालमेल है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये 7 मिस्टेक आपने अगर करना बंद कर दिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी आर्ट की फील्ड में। मिस्टेक नंबर 2 है कलर के ऊपर फोकस करना। अब आप बोलोगे ये कैसी गलती है कलर के ऊपर फोकस करना, कलर तो अच्छी चीज़ होती है, कलर तो सीखना चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंड, शुरुआत में कलर सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होते हैं। शुरुआत में कोई भी कलर, भले वो वाटर हो, एक्रेलिक हो, ऑयल हो, कोई भी कलर, क्योंकि कलर एक सुंदरता देता है एक आर्टवर्क को, और उस सुंदरता के पीछे अगर आप शुरू से भागना आपने शुरू कर दिया तो उस सुंदरता के पीछे जो चीज़ें चाहिए, जो बेस, जो कंस्ट्रक्शन, जिस आर्टवर्क के बनने के बाद उसके ऊपर कलर लगाया जाता है, अगर वो आर्टवर्क ही ढंग का नहीं है
तो कलर के ऊपर फोकस कर देना एक डिस्ट्रैक्शन होता है। ज़्यादातर बच्चों को आप देखोगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पेंसिल से बनाने में मज़ा नहीं आता, उनको क्रेयॉन्स चाहिए, उनको कलर चाहिए, उनको अट्रैक्शन होता है। तो वो बचपन की आदत हम बड़े होते तक फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपरली कहीं से आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली, आर्ट के ऊपर सीखा नहीं है। तो बचपन में जो आदत लगे रहती है, कलर में मज़ा आना, ये कलर को मिक्स किया तो ये कलर बन गया, वो जो मज़ा रहता है ना, उस चीज़ के वजह से हम ये भूल जाते हैं कि कोई चीज़ को सीखने का एक प्रोसेस होता है। तो कलर के ऊपर फोकस करने से पहले आपको अपने ड्राइंग, आपके जो फंडामेंटल स्किल है उस पर फोकस करना है। तो कलर शुरू में डिस्ट्रैक्शन है, तो फोकसिंग ऑन कलर ये आपकी दूसरी गलती है। क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आप कोई भी कलर कर लो, आपका वर्क इम्प्रूव कभी नहीं होगा। और एक और बड़ी गलती जिसके वजह से जो कलरिंग के अंदर से ही निकली है, वो ये कि जब भी हम कोई आर्टवर्क में कलर कर देते हैं ना, और उसमें हमें जब गलती दिख दी, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने एक पेंटिंग बनाई, उसमें कलर कर दिया, ड्राइंग बनाई, कलर कर दिया, उसके बाद आपको समझ में आया कुछ तो गलत लग रहा है। और जब वो आपके मन में फीलिंग आती कि कुछ तो गलत लग रहा है, इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि कलर में प्रॉब्लम नहीं है, जो बेस ड्राइंग आपने बनाई थी उसमें प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमने ये पेंटिंग बनाई है, लेकिन अभी हम ना ये कलरिंग सीख रहे हैं, शायद ये कलरिंग को हमें सीखना होगा, तब जाके हमारा आर्टवर्क इंप्रूव हो जाएगा। बट प्रॉब्लम उनके ड्राइंग लेवल पे होती है। कलर अगर खराब भी है, कलर आपने ठीक से नहीं भी किया, कलर पे मिक्सिंग अच्छे से नहीं भी हुई, तब भी पेंटिंग कमाल की बन सकती है अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। तो कलरिंग पे फोकस करना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अब तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट का ऑपोजिट आपको फील होगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैंने बोला ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो आर्ट के फील्ड में सीरियस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हैं। कलरिंग को ना करना भी गलती है, ये तीसरी सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक। अब इस बात को ध्यान समझना, सीजर सेंटोस एक बहुत कमाल के आर्टिस्ट, उनको मैं बहुत ज़्यादा मैंने फॉलो किया है, उन्होंने एक लाइन कही, उनको पूछा गया कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो डिसाइड करती है कि एक बच्चा आर्टिस्ट वाला गुण अपने अंदर रखता है या नहीं रखता है। उन्होंने बोला कलरिंग को ना करना। अब कन्फ्यूज़न हो गया कि ये कौन सा बात हुआ कि कलरिंग को ना करना कैसे डिसाइड करता है, जबकि हमने दूसरे मिस्टेक में सुना कि कलरिंग पे फोकस करना आपका एक गलती है, कलरिंग को करना, कलरिंग की वजह से डिस्ट्रैक्ट होना आपकी मिस्टेक है। तो तीसरे पॉइंट में ये कैसा पॉइंट आ गया कि कलरिंग ना करना भी गलती है। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही कि पॉइंट ये नहीं है कि कलरिंग करें या ना करें, पॉइंट ये है कि आपका अप्रोच कैसा है। एग्जांपल के तौर पे ये जो एक पर्सन है, मान लो एक आर्टिस्ट है, एक पर्सन है जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो उसको पता है, उसको ये चीज़ें क्लियर हैं कि बेसिक्स पे काम करना है, फाउंडेशन के ऊपर काम करना है, डायरेक्टली कलर पे फोकस करना एक डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है, कलरिंग जब तक तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक हमारा ड्राइंग, हमारे बेस इंप्रूव ना हो, ये चीज़ उसको पता है। लेकिन इसके वजह से वो कलरिंग को ट्राई करना बंद नहीं करता, क्योंकि कलरिंग को ट्राई करना एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर आता है। ओके, तो उसका मानसिकता शो होता है जब वो एक स्टेप लेता है, एक ट्राई करता है। जैसे क्या होता है, मान लो आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हो और कोई आपको बाइक चलाना सिखा रहा है, ठीक है, तो एक तो वो पर्सन है जो हर एक बात को मानेगा कि हाँ इन्होंने ऐसे बोला ब्रेक मारो, इन्होंने बोला क्लच मारो, तो वो हर एक चीज़ ट्राई कर रहा है। लेकिन मान लो जो आपको बाइक चलाना सिखा रहा है, मैं बाइक का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी और गाड़ी का, साइकिल का, किसी का भी एग्जांपल इसमें कनेक्ट कर सकते हो। अब जो पीछे का व्यक्ति है, ओके, वो बोल रहा है जब तक सिखा रहा है हम सीख रहे हैं, मान लो अब वो किसी दिन नहीं आया सिखाने, तो हम क्या होगा, आज तो सिखाने नहीं आया, कोई बात नहीं कल सीखेंगे। अरे चार दिन से सीख रहे हो, निकालो बाइक, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, अकेले लेके निकल जाओ, ठुक जाएगी गाड़ी, ठुक जाएगी, थोड़ा सा ठुकने तो क्या हो गया, सीखना तो जारी है ना, अगले दिन फिर सीखेंगे। एक बार चलाओगे खुद, एक्सपेरिमेंट करोगे, गलती होगी, उस गलती से वापस सीखोगे, वापस से उन्होंने जो बात सिखाई थी वापस से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो अप्रोच होता है एक्सपेरिमेंट करने वाला, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऐसा अप्रोच है कि पेपर खराब हो जाएंगे, मेरा पेन खराब हो जाएगा, मेरे कलर खराब हो जाएंगे, कलरिंग ट्राई करना तो पाप है, कलरिंग ट्राई करना डिस्ट्रैक्शन है, वो जो चीज़ हमने इस पॉइंट पे भी समझा, सेकंड पॉइंट पे समझा कि कलरिंग ट्राई करना डिस्ट्रैक्शन है, उसके वजह से हमें कलरिंग नहीं करना चाहिए, कलरिंग करने से डर लगता है, वो चीज़ों से हट जाना एक बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। चीज़ें समझ ली आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन क्या नहीं करना है उसको एक्सपेरिमेंट करना, ताकि जो करना है उसकी इंपॉर्टेंस और समझ में आए। तो नंबर थ्री, जो सबसे बड़ी गलती जो एक बिगनर आर्टिस्ट करते हैं, वो है एक्सपेरिमेंटेशन से बहुत डरना, ये एक्सपेरिमेंटेशन से दूर भागना। अब ये जो तीसरा पॉइंट था, एक्सपेरिमेंटेशन से दूर भागना बहुत बड़ी जो गलती है, उससे चौथा पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, वो है अपने टूल्स पे डिपेंड होना। तो मिस्टेक नंबर फोर, टूल्स पे डिपेंड होना। समझो, कोई भी आर्टवर्क
आपके टूल से बनता नहीं है। अब कई सारे लोग बोलते हैं, मान लो मेरे पास ये 1000 रुपए की पेंसिल है, ये पेंसिल अगर मैं आपको दे दूं तो क्या आपका आर्टवर्क अपने आप इंप्रूव हो जाएगा? मान लो मेरे पास एक 10,000 का कलर है, मैं आपको अगर वो भेज दूं तो क्या आप वो कलरिंग अपने आप सीख जाओगे? ऑब्वियसली नॉट। ये पेंसिल कौन सी कंपनी की है, कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, ये टूल कौन सा है, ये दिखने में अच्छी पेंसिल कौन सी है, इन सब से आपको सबसे पहले ऊपर उठना होगा। टूल पे कभी भी डिपेंडेंट मत रहना। आपका वर्क गंदा, अब टूल का मतलब सिर्फ आर्ट के मटेरियल्स नहीं होते, हर एक टूल। अब कई लोग अपने आर्टवर्क की फोटो खींच के अपलोड करते हैं और कहते हैं कि सर हमारा ना कैमरा गंदा था, नहीं तो आर्टवर्क रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। अंडरस्टैंड, कभी भी टूल को जिम्मेदार मत ठहराओ। कैमरा गंदा है, कैमरा खराब है, टूल खराब है, कोई भी चीज़ आपके आर्टवर्क को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। हाँ, कैमरा की क्वालिटी कम है तो क्वालिटी थोड़ी कम आएगी, लेकिन आर्टवर्क गंदा नहीं बन जाएगा। ओके, आर्टवर्क वैसे का वैसा ही दिखेगा। तो ये चीज़ों से अपने आप को उठा लो कि टूल के वजह से मेरे आर्टवर्क खराब होता है। क्वालिटी इमेज की खराब कम ज़्यादा हो सकती है। ओके, एक मूवी आप देख रहे हो, एक बहुत अच्छी मूवी बनी है, वो मूवी की अगर क्वालिटी कम हो जाए, उसकी वीडियो क्वालिटी कम हो जाए, मूवी का स्टोरी अच्छा है, तो वो मूवी आपको पहले भी अच्छी लगती थी, अब भी अच्छी लगेगी। ओके, तो वो मूवी की वीडियो क्वालिटी कम हो जाने से वो मूवी का कंटेंट कम नहीं हो जाएगा। वैसे ही आर्टवर्क में भी आपके मटेरियल आपके आर्टवर्क को नो डाउट एक अलग लेवल पे एनहांस कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके आर्टवर्क की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये सिंपल एग्जांपल आपने समझा कि मटेरियल दे देने से आर्टवर्क स्किल्स नहीं आ जाएंगी। एक और एग्जांपल समझो कि अब किसी ने पूछा कि अगर ये 1000 रुपए की पेंसिल से आर्टवर्क इंप्रूव नहीं होता तो आपने ये पेंसिल क्यों ली? अगर आप बोल रहे हो कि आर्टवर्क में टूल्स का कोई महत्व नहीं है, तो ये महंगी पेंसिल आपका लेने का फ़ायदा क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ। अगर ये पेंसिल को मैं ले रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये मेरा टाइम को सेव करती है। इसमें शेडिंग करना या फिर इसमें से बार बार लीड्स को चेंज करना या इसको शार्पन करना, ये बहुत टाइम सेविंग है। तो अगर मैं एक लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और टाइम की इंपॉर्टेंस मेरे लिए बढ़ते जा रही है, क्योंकि इनिशियली जब हम बिगनिंग करते हैं तो हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा सकते हैं, तो टाइम की कीमत जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, हम महंगे ऐसे ऐसे टूल्स को ले सकते हैं नो डाउट, जो हम लोग का समय को बचाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इनिशियली आर्टवर्क को स्टार्ट करते हो, जब आप आर्टवर्क पे इनिशियली अपने बेसिक टूल पे काम करते हो, तो आपका मेन फोकस होता है स्किल्स को समझने के ऊपर। इनिशियली शुरुआत में एज ए बिगनर कोई भी टूल आप ले लो, उन टूल के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, नो डाउट एक बेसिक कलर में, एक हल्के क्वालिटी का कलर में और एक बहुत अच्छे हायर ग्रेड के कलर में क्वालिटी वाइज डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस बिगनिंग में आपको समझ में नहीं आएगा। एक लेवल पे जब आप काम कर लोगे, आपके स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, उस स्किल के स्ट्रांग होने के बाद आप समझ पाओगे कि हाँ, मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये आर्टवर्क में काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, लेकिन जो टूल की वजह से लिमिटेशन था, अब उसको पीछे छोड़ने का टाइम आ गया, तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ टूल्स पे। तो वो चीज़ें आपको तब सोचनी है। तो शुरू में डू नॉट डिपेंड अपॉन योर टूल्स। कुछ भी खराब हो रहा है आर्टवर्क में, कुछ भी गंदा बन रहा है, आर्टवर्क आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको डाउट्स आ रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये आर्टवर्क बनाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन रहा है, तो हमेशा ये बोलो कि मेरी स्किल्स में कमी है, मेरे में कमी है, इस टूल्स के अंदर नहीं। जब तक अपने टूल्स के ऊपर आप उंगली दिखाते रहोगे, आप अपनी गलतियों को हमेशा छुपाते रहोगे और उस गलती को इम्प्रूव करने के ऊपर आप काम नहीं करोगे। एक्सेप्ट करो कि अपनी स्किल्स में कमी है, तभी जाके आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सो डू नॉट डिपेंड अपॉन योर टूल्स। मिस्टेक नंबर 5, अपना खुद का स्टाइल होना ज़रूरी है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल लो। अगर आप इन गलतियों के पीछे भाग रहे हो कि मेरा ना आर्टवर्क सबसे अलग दिखना चाहिए, कोई अगर देखे तो बता दे कि ये आर्टवर्क मैंने बनाया था, मेरा खुद का स्टाइल डेवलप होना चाहिए, तब आप ऑलरेडी बहुत गलत डायरेक्शन में जा चुके हैं। स्टाइल डेवलपमेंट आपके हाथ में नहीं है। स्टाइल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कई साल तक काम करने के बाद आएगा, और स्टाइल तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक आपकी स्किल्स, आपकी टेक्निकल स्किल्स सुपर 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 स्ट्रांग है। एक आदमी जो पहली बार गिटार बजाना सीख रहा है, वो किसी रॉकस्टार को देख के उस गिटार को स्टाइल से घुमा के बजाने का ट्राई करेगा तो वो नहीं होगा। पहले नॉर्मल गिटार को सीखना होगा, अच्छे से सीख जाएगा, बजा लेगा, कोई भी धुन बजा लेगा, तब जाके धीरे धीरे अलग अलग एक्शंस ट्राई करेगा कि मैं इसको ऐसे बजा के देखूं क्या इसको मैं और थोड़ा रॉकस्टार की तरह बजा के देखूं क्या, वो धीरे धीरे आएगा, कई साल लगेंगे। अच्छा, ठीक है, समझ गया। बिगनिंग में अगर आप सोच के बैठे हो कि खुद का स्टाइल डेवलप करना है और आप बेसिक्स को पहले क्लियर नहीं कर रहे हो, तो स्टाइल डेवलपमेंट ये सोच ही
आपको बहुत दूर ले जाएगी आर्ट की फील्ड से। इस चीज़ को हमेशा समझना कि जितने भी हम नाम सुनते हैं या जिसके मुंह से भी ये बात सुनते हैं, कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट या कोई भी बड़े महान कलाकार, पेब्लो पिकासो, हेनरी मटीज, जितने भी पास्ट में महान कलाकार हुए, उनका अगर अपना स्टाइल था तो उस चीज़ को अगर आप अभी कॉपी कर रहे हो तो आप ऑलरेडी गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी, जिसका भी आप नाम सुनते हो, उन्होंने भी कई साल पहले अपने फंडामेंटल्स को, अपनी स्किल्स पे काम किया। स्किल्स पे काम करने के बाद उनको खुद ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्या आर्टवर्क में चेंज करूँ। अब सबसे मज़े की बात पता क्या है, स्टाइल डेवलपमेंट सीखना पॉसिबल ही नहीं है, और बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इस बात से भटक रहे हैं कि कोई हमें मिल जाए, कोई आर्टिस्ट या कोई टीचर हमें मिल जाए जो स्टाइल डेवलप करना सिखा दे, जो कि आपका सबसे पहला ही गलत स्टेप है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई और हमें हमारा स्टाइल डेवलप करना सिखा दे, तो पहली बात कि वो आपका स्टाइल नहीं हुआ, वो किसी और का स्टाइल हुआ जिसको देख के आप सीखने का कोशिश कर रहे हो। दूसरा, अगर आप किसी और से ही स्टाइल डेवलपमेंट के बारे में सीख रहे हो तो आपका अपनापन, आपकी इंडिविजुअलिटी, जो एक स्टाइल डेवलप होने का सबसे मेन, जो सबसे प्रमुख कारण होता है, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो स्टाइल डेवलपमेंट आप किसी से सीख नहीं सकते, आप बेसिक सीखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ABCD हम लिखते हैं, लेकिन हैंडराइटिंग हमारी अपने आप आते चली जाती है, और जो भी हैंडराइटिंग आती है, जो भी हम लिखना चाहते हैं, वो क्लियरली सामने वालों को समझ में आता है। हैंडराइटिंग भले ही थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी बुरी हो, वो चीज़ें पर्सनल होती हैं। तो स्टाइल अपना पर्सनल होता है, वो पर्सनल चीज़ को आप ओवर ए पीरियड 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल में धीरे धीरे डेवलप करोगे, और वो प्रोसेस के बिना स्टाइल डेवलपमेंट, अगर आपने अपना स्टाइल चेंज कर भी लिया तो कल की डेट में आपको वो खुद मन करेगा कि ये मज़ा नहीं आ रहा, मैं कुछ और करता हूँ या कुछ और करती हूँ। स्टाइल डेवलपमेंट के पीछे जो नशा होता है, जो मज़ा होता है, उसका मज़ा तभी है जब उसका पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया हो, उसके पीछे कई साल की जर्नी रही हो, अपने हर छोटी चीज़ को चेंज करके खुद ट्विक करके देखा हो, और उस ट्विक करने से पहले, उन चीज़ों को चेंज कर करके देखने से पहले, आपने कम्प्लीटली पहले कई साल अपने स्किल्स डेवलपमेंट में फोकस किया हो। और एक खूबसूरत चीज़ जो आज के टाइम पे कोई शेयर नहीं कर रहा, और वो चीज़ ये है कि पुराने टाइम में हम लोग स्टाइल देखते थे कि पहले के आर्टिस्ट का ये स्टाइल है, इस आर्टिस्ट का ये स्टाइल है, ये आर्टिस्ट का वर्क देखने से पता चलता है कि ये इस आर्टिस्ट का वर्क है, लेकिन आज के टाइम पे आप खुद एक स्टाइल हो। इस बात को ध्यान सुनना, आप खुद एक स्टाइल हो, क्योंकि आज का टाइम एक आर्ट के साथ, आपके आर्टवर्क के साथ आपका कनेक्शन भी बन जाता है। आज के टाइम पे जब कोई आर्ट सेल करता है, पेंटिंग सेल करता है, आर्टवर्क उसकी सेल होती है, तो सिर्फ आर्टवर्क सेल नहीं होती है, आर्टिस्ट सेल होता है। आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी, आर्टिस्ट की इंडिविजुअलिटी उससे आती है। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या विचार हैं, वो चीज़ें इस पूरे प्रोसेस में डेवलप होती है। तो अगर आपका स्टाइल अलग नहीं भी है, आपका स्टाइल जो आप आर्टवर्क करते हो वो कोई और भी बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल, क्योंकि आपकी यूनिक पर्सनैलिटी है, आप किसी और के साथ सेम नहीं है, तो आर्टवर्क अगर सेम भी है तो क्योंकि आप उसमें एज एन आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क के साथ ऐड हो गए, तो वो अपने आप में ही एक अलग स्टाइल बन जाता है। ओके, तो ये चीज़ें समझना। दूसरी बात ये भी है कि आज के टाइम पे आप कुछ भी अलग ट्राई करो, हल्का फुल्का कोई आर्टवर्क में कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करो, तो वैसे कोई ना कोई आर्टिस्ट इतनी बड़ी दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होगा जो ऑलरेडी कर रहा होगा। जैसे कि जो बोला जाता है ना कि आइडियाज़ थोक के भाव में मिलते हैं, हर दूसरे सेकंड में कोई बंदा या बंदी नया आइडिया सोच रहा होता है, तो आइडिया की वैल्यू नहीं होती, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने की वैल्यू होती। तो आर्ट में स्टाइल डेवलप करना है, स्टाइल खोजने की बजाय आर्ट के स्किल्स पे फोकस कर सकें, उन चीज़ों पे फोकस करो। और आज के टाइम पे क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आर्ट की फील्ड में ग्रो करने में, उन पे फोकस करो। स्टाइल डेवलपमेंट में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अदरवाइज आपको कुछ सालों बाद रियलाइज़ होगा कि हमने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल, जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखने में लगा सकते थे, वो हमने वेस्ट कर दिया। स्टाइल डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट एन एस्पायरिंग आर्टिस्ट डू। सिक्स्थ बिगेस्ट मिस्टेक, आर्ट में स्टोरी दिखानी है, आर्ट में कोई मैसेज होना चाहिए, आर्ट में कोई इमोशन होना चाहिए, ये वाला थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके आर्टवर्क में कोई स्टोरी हो, कोई मैसेज हो, या इसमें मैं कोई ऐसा इमोशन दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जिसको देख के सामने वाला रो पड़ेगा या हंस पड़ेगा, ये सब सोचने के चक्कर में आपका आर्टवर्क बेस लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे वीक रह जाएगा। पहले उस पर फोकस करिए कि आपका आर्टवर्क स्ट्रांग हो, उसके बाद जाके फ्यूचर में आप उसमें स्टोरी, इमोशन, इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। जब किसी भी आर्टिस्ट से आप सुनते हैं कि ना इस पेंटिंग में मेरी ये वाला मीनिंग है इस पेंटिंग के पीछे, आपको एग्जीबिशन में गए, एक
एक आर्टिस्ट है जो 20 साल से आर्ट की फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई पेंटिंग लगाई है, वो वहां पे समझा रहे हैं कि इस पेंटिंग में ये इमोशन है, ये स्टोरी, ये मैसेज है, तो बिगनर के मन में ये भावना आ जाती है कि स्टोरी होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उस जर्नी को आपको पहले फॉलो करना है, आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना है। मैं अगर एक पेंटिंग बना रहा हूँ, वहाँ पे मान लो एक लड़की का मैं कोई पेन दिखाना चाहता हूँ, एक फीमेल के फील्ड, फीमेल का एक पेन शोकेस करना चाहता हूँ, भले वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, तो उस फीमेल का पेन दिखाने से पहले उसका स्ट्रक्चर, बॉडी, वो सब जो ड्राइंग पार्ट है वो मुझे आना चाहिए, तब जाके मैं सोच पाऊंगा कि हाँ इनको मैं ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे कोई मार रहा है वो सीन दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा। सोचने से पहले उसको बना पाने के काबिल बनना होगा। तो टेक्निकली स्ट्रांग होना जरूरी है, इससे पहले कि इसमें इमोशन डालना है, स्टोरी डालना है, ये सब आप सोचो। ओके, और सातवीं सबसे बड़ी गलती बताने से पहले मैं आपको छोटा सा स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। 2 साल पहले हमने एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया था इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के नाम से। करीब करीब 2000 लोगों के आर्टवर्क हमने देखे, 2000 स्टूडेंट के आर्टवर्क मैंने पर्सनली चीज़ें देखी थी कि किनका क्या वर्क है। और ये चीज़ बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि 90%, ये तो सिर्फ मैं कंपटीशन का बता रहा हूँ जहाँ पे मैंने सिर्फ 2000 वर्क देखे, ऐसे कई हज़ार वर्क इधर उधर ऑनलाइन ऑफलाइन देखने के बाद 90% से ज़्यादा लोग ड्राइंग और ड्राइंग के फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, ड्राइंग के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स लेवल पे ही वीक हैं। तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो एक बिगिनर करता है वो ये कि ड्राइंग फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स पे काम ना करना। अब क्या है ये ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसके ऊपर मैंने कई बार अलग अलग वीडियो बनाई है, उनको देखिएगा। लेकिन बेसिक तौर पे समझिए कि अगर आप किसी आर्टवर्क के अंदर डिटेल्स करना चाहते हो, मान लो मैं अपना पोर्ट्रेट बना रहा हूँ और इसमें मुझे डिटेल्ड वर्क करना है, तो उस डिटेल्ड वर्क जो मेरा मेन गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए पहला कि मुझे ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। और ड्राइंग का मतलब सिर्फ आउटलाइन नहीं होता, ड्राइंग मतलब लाइंस, एंगल्स, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है एक दूसरे की तुलना में। अगर आंखें इतनी बड़ी है तो नाक के कंपैरिजन में नाक कितना बड़ा होगा, नाक के कंपैरिजन में मुंह कितना बड़ा होगा। और यहाँ मैं पोर्ट्रेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर चीज़ में लागू होता है, लैंडस्केप हो, फिगर हो, किसी भी चीज़ में, कि कोई एक लाइन दूसरे लाइन के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है उसको जज कर पाने की काबिलियत, जिसको बोलते हैं प्रपोर्शन। कोई चीज़ कितनी डार्क है या कितनी लाइट है, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे चेहरे में सबसे ज़्यादा डार्क क्या है, सबसे ज़्यादा लाइट क्या है, हाफ टोन्स क्या है, ये जो बेसिक बातें हैं। अगर मैं एक कैनवस ले रहा हूँ, एक पेपर ले रहा हूँ, और मैं अगर यही एग्जैक्ट सीन बना रहा हूँ जो मुझे आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर बीच में रहूँ तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे रहूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, या यहाँ पे रहूँ तो विजुअली ज़्यादा अपीलिंग होगा, या स्क्रीन के मैं यहाँ रहूँ तो ज़्यादा विजुअली अपीलिंग होगा, ये जो डिसीज़न एज एक आर्टिस्ट लेता है जो कि कॉम्पोजिशन में आता है, तो ये होते हैं ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कॉम्पोजिशन कैसी होगी ये प्रिंसिपल्स में आता है, डार्कनेस लाइटनेस क्या होनी चाहिए प्रिंसिपल्स में आता है, और यही प्रिंसिपल्स फंडामेंटल स्किल्स होती हैं जो एक पर्सन को चाहिए इससे पहले कि वो कलरिंग करना शुरू करे, इससे पहले कि वो डिटेलिंग करना शुरू करे, इससे पहले कि वो कोई एक्सपेरिमेंट करे अच्छे लेवल पे, इससे पहले कि वो स्टाइल डेवलपमेंट के बारे में सोचे। तो ये ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कोर स्किल्स हैं आर्ट के फील्ड में ग्रो करने के लिए, क्योंकि अंडरस्टैंड जब हम ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग ये सब की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है आपको आगे चल के फैशन डिजाइनिंग में उनके स्केचेस बनाने, मॉडल के स्केचेस बनाने, हो सकता है आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं और जो आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, आपको वो करना है आगे चल के। हो सकता है आप ग्राफिक आर्टिस्ट बनना चाहते हो सकता है आप एनिमेटर बनना चाहते हो, आप एनिमेशन करना चाहते हो, और एनिमेशन में क्योंकि आप पेपर पेन पे ड्राइंग नहीं कर रहे होगे, आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होगे, आप स्क्रीन पे बना रहे होगे, हो सकता है आप टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कुछ भी आप बनना चाहते हो सकता है आगे चल के आपका गोल चेंज हो जाए। हो सकता है आज आप ड्राइंग कर रहे हो पेपर पे, लेकिन कल को आपका मन करे टैटू आर्टिस्ट बनने का। वो चीज़ों के लिए जो कोर स्किल चाहिए वो ड्राइंग फंडामेंटल और आर्ट के प्रिंसिपल्स को क्लियर करने से ही समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ही डिटेल करना, कलर करना, इन सब पे फंसे रह जाओगे और आपका ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वीक रह जाता है, तो आगे चल के आप किसी भी फील्ड में कितना ही ग्रो करना क्यों ना चाहो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको कोर अपने ड्राइंग पे, अपनी फंडामेंटल्स पे, अपने प्रिंसिपल्स पे फोकस करना है। और ड्राइंग का मतलब सिर्फ आउटलाइन नहीं होता, इस बात को समझना। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे सर्च करिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग, मेरी आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें ड्राइंग के ऊपर मैंने और बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं। लेकिन एक मोटा मोटी बेसिक तौर पर समझो कि बचपन से हम ड्राइंग ड्राइंग बोलते आए तो हम ड्राइंग का मतलब बहुत, मीनिंग को बहुत छोटा कर दिए। बहुत खूबसूरत लाइन सीजर सेंटर जिनका मैंने नाम ऑलरेडी लिया, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही है कि डिफरेंस बिटवीन ए मैच्योर एंड ए मास्टर इज ड्राइंग।
एक बिगनर को, एक एमेच्योर को मास्टर बनना है तो उसको सबसे ज़्यादा ड्राइंग पे काम करने की ज़रूरत है। कलरिंग, टेक्सचर, डिटेल, ये सब बाद में आता है। ओके, किसी भी आर्टवर्क में 95% रोल ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का होता है, 5% मुश्किल से कलर, डिटेल, टेक्सचर सब मिला के होता है। ओके, सब मिला के। तो फोकस करो आपके ड्राइंग, आपके फंडामेंटल, आपके प्रिंसिपल स्ट्रांग हो, क्योंकि वो स्ट्रांग हैं तो इस फील्ड में आप इजीली प्रोफेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आँखों की ड्राइंग आपकी हो जाती है लेकिन नाक नहीं बनते, नाक हो जा रहे हैं लेकिन कान नहीं बन रहा, कान हो जा रहा है लेकिन आँख नहीं बन रहा, आँख हो जा रहा है लेकिन लैंडस्केप नहीं बन रहा, ये बन जाता है लेकिन ये बनाने के लिए मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा, कि ये थॉट्स अगर आपके अंदर आते हैं तो आपके फंडामेंटल्स, आपकी ड्राइंग स्किल्स वीक है। अगर कलरिंग करने के बाद आपको आर्टवर्क में गलती दिखती है और आपका आर्टवर्क में आपको फील होता है कि कुछ मिस्टेक है और क्या मिस्टेक है आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपके फंडामेंटल्स में गलती है। अगर कुछ साल आर्टवर्क छूट जाने के बाद आपने कई सालों से आर्टवर्क की प्रैक्टिस नहीं की और शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने साल से प्रैक्टिस छूट गई है, मैं वापस से कैसे शुरू करूं, ये थॉट्स आपके अंदर आते हैं, मतलब आपके ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे आपने काम नहीं किया था। आपके आर्टवर्क में आपको गलती दिख रही होती है, आपको गलती फील हो रही होती है, आपके आर्टवर्क में मिस्टेक्स हो रही होती है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ गलती है लेकिन आपको समझ में नहीं आता उसको ठीक कैसे करें, तो आपके ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है। हर जगह से हमें क्लियर साइंस मिल रहे होते हैं कि हमें सबसे ज्यादा काम कहां करना है। अब इन सातों गलतियों को बताइए कि इसमें से कौन सी गलती आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आपकी दो गलतियां हो रही हूं, हो सकता है 3, 4, 5 या सातों के सातों हो रही हूं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सी मिस्टेक आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इन मिस्टेक्स के ऊपर हमने एक ई बुक भी बनाया है आपके लिए जो कि फ्री है, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस ई बुक को जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उस ई बुक को प्रिंट करवा के चाहे आप अपने रूम में लगा के भी रख सकते हैं। वो ई बुक लिमिटेड लोगों के लिए एज ए फ्री गिफ्ट के तौर पर दी जा रही है, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, वहां जाके आप उस फ्री ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अपनी मिस्टेक को नीचे लिखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, क्योंकि अगर आपकी हेल्प की है तो आपके जैसे और भी जो सीरियस आर्टिस्ट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनकी भी हेल्प होगी। शेयरिंग इज केयरिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लव आर्ट, लिव आर्ट।